हेलो जी, आपके फ्रिज का फोन आया था। कह रहा था बड़ा परेशान किया हुआ आजकल, बारी बारी खोल बंद है। आजकल रेसिपी के वो ट्रायल चल रहे हैं आइसक्रीम की रेसिपी के, बेचारा फ्रिज बड़ा परेशान है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको बोला मैं एक ऐसी रेसिपी दे दूंगा उसके बाद ये खोल बंद वाला सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि फुल प्रूफ रेसिपी है वो। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। आइसक्रीम की फुल प्रूफ रेसिपी बगैर अंडे और बगैर कंडेंस्ड मिल्क के शुरू करने वाले हैं। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी एगलेस आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क बनाने के लिए आपको चाहिए मिल्क, ग्लास भर दूध। ठीक है, अब ये बड़ा सिंपल है फॉर्मूला। सबसे पहले तो एक कप दूध और एक कप शक्कर जो है वो साइड में पकने दें। 1:1 मिल्क इज टू शुगर, यह है पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ अगर बढ़ें तो फिर 2:1, यानी कि 2 भाग मिल्क पाउडर और उसके अंदर 1 चुटकी बेकिंग सोडा। उसका मकसद ये होता है कि दूध फटता नहीं है, बेकिंग सोडा से दूध फटता नहीं है, वरना इतनी शक्कर में कई बार इम्प्योरिटी होती है, कुछ होता है तो दूध के फटने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए बेकिंग सोडा हमेशा हमेशा बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है। अब ये जो है ना, इसको हमको पकाना है। इसको आप पकाएंगे कम से कम नहीं तो 5 मिनट, जब तक कि वो दो तार से पहले की चाशनी वाली स्टेज ना आए। हैं 5 मिनट धीमी आंच पे इसको धीरे धीरे पकाना है। आप ये समझ लीजिए यहाँ तक तो आप दूध की चाशनी बना रहे हैं। हम दूध की चाशनी कहते हैं, अंग्रेजों ने कंडेंस मिल्क नाम रख दिया उसका। बस थोड़ा सा और उबल जाए, हल्का सा एक वो चिकटपना आ जाए, हल्की सी एक स्टिकीनेस आ जाए, बस चलाते रहना जरूरी है। कई बार नीचे लग जाता है ना तो रंग भी चेंज हो जाता है उसका। ये लीजिए अभी गया। इसको ना बेसिकली उबाला आने तक पकाना है, और ये जो शुरू शुरू में वो झाग बनेगी क्योंकि आपने बेकिंग सोडा डाला हुआ है ना, तो घबराना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा और डाल दीजिए, उससे आइसक्रीम में भी एरेशन आ जाएगा, आइसक्रीम में भी फ्लफीनेस आ जाएगी। एंड ऑल्सो रिमेंबर, ये जो मज़ा है ये सारा शुगर का है। अगर शक्कर सही नहीं पकी होती तो ये जो आपको इतना अच्छा टेक्सचर मिल रहा है वो नहीं मिलता। जैसे ही उबाला आ गया वैसे अपना काम हो गया जी। बस गैस करी बंद, चाय तो छान सकते हैं। मुझे वो हल्का सा जो नीचे लगा हुआ दूध है वो बड़ा अच्छा लगता है, एक वो टॉफी वाली फीलिंग आती है ना, इसलिए मैं नहीं छानूंगा इसको, बट आप चाहें तो डेफिनेटली छान सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपने इतना सारा मिल्क पाउडर डाला है तो लैक्टोज जो है, मिल्क शुगर, उसको हम इन्वर्ट कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, ताकि क्रीमीनेस अच्छी आए। बस दैट इज़ ऑल दैट देयर इज़ टू इट, देयर इज़ नथिंग एल्स। इन्वर्ट शुगर्स के बारे में जो है वो पढ़ लीजिएगा। एक काम करता हूँ, मैं इन्वर्ट शुगर के बारे में समझा देता हूँ, और ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आइसक्रीम का कॉम्पोजिशन क्या होता है और अलग अलग चीज़ें आइसक्रीम के टेक्सचर पे कैसे फ़र्क डालती हैं, ताकि जब आप बनाएं तो आपको पहले ही पता हो कि इसका असर क्या होने वाला है आइसक्रीम पे। हाँ चलिए, फिर इन्वर्जन ऑफ शुगर एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड शुगर जो है वो लिक्विड बन जाती है, और ऐसे बन जाती है कि वो वापस सॉलिड ना बने, क्योंकि जब आइसक्रीम बनानी है तो शुगर सॉलिड नहीं हो सकती ना, मुंह टूट जाएगा खाते टाइम। तो इसलिए इन्वर्ट शुगर का इस्तेमाल होता है आइसक्रीम बनाते समय। ठीक है, अब जैसे सुक्रोज है जो हमारी शक्कर है, जो क्रिस्टल शुगर जिसे हम बोलते हैं, उसे हम जब इन्वर्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे या एसिड के साथ, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है और वो थिक लिक्विड बन जाती है, वापस से वो जमती नहीं है। इसलिए इन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। कंडेंस मिल्क के अंदर भी ये इन्वर्जन हो चुका होता है, इसलिए कंडेंस मिल्क हम आइसक्रीम में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड ग्लूकोज हम आइसक्रीम में इस्तेमाल करते हैं। केले के अंदर एक इन्वर्टेज करके एंजाइम होता है, उसके अंदर भी इन्वर्टेड शुगर्स होती हैं, इसलिए केले की आइसक्रीम कितनी क्रीमी बनती है, कितनी अच्छी बनती है। तो इन्वर्ट शुगर समझना बहुत जरूरी है आइसक्रीम मेकिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए। तो जी आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए, कहाँ थे हम, हाँ आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए क्रीम। तो कोशिश ये करें कि जब भी क्रीम को व्हिप करें बर्तन भी चिल्ड रखें और क्रीम भी चिल्ड रखें। और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक क्यूब ऑफ आइस जो है साथ में डाल देता हूँ और थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च का पिंच डाल देता हूँ साथ में। ठीक है, अभी यहाँ पर क्रीम को व्हिप कितना करना है, जब तक कि उसके पीक्स फॉर्म ना होने लग जाए, जो चोटीदार ना बन जाए वो। ठीक है,
और अगर बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं आप, इफ यू वर्किंग इन टू मच हीट, तो आपको क्या करना चाहिए कि नीचे जो है बर्फ का एक बड़ा बोल रख लें और उसके ऊपर अपनी क्रीम रख के उसको विप करें, उससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आप इतना रिस्क लेना नहीं चाहते तो बहुत सारी नॉन डेरी विपिंग क्रीम आती हैं, जो इसमें डेरी नहीं होती, जो सोए लेसिथिन से बनती हैं, सोए प्रोडक्ट से बनती हैं, वो इतनी जल्दी नहीं फटती हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नॉन डेरी होती हैं। लेकिन जो डेरी विपिंग क्रीम का स्वाद है वो डेरी विपिंग क्रीम का स्वाद है। चार बार मैं नहीं बोल सकता डेरी विपिंग क्रीम, डेरी विपिंग क्रीम, डेरी विपिंग, डेरी विपिंग क्रीम। ठीक है, अब ये डन हो गया, इसको मैं फ्रिज में डाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब रेशियोज़ की बात कर लें, अब सिर्फ मिलाना रह गया। रेशियोज़ के लिए ये समझ लीजिए कि जब आप विपिंग क्रीम लेंगे बिफोर विपिंग, हाँ, तो आप चाहें तो बराबर बराबर ले सकते हैं कंडेंस मिल्क और विपिंग क्रीम। आप चाहें तो जो आइडियल रेशियो है वो दो भाग कंडेंस मिल्क, एक भाग विपिंग क्रीम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आइसक्रीम मीठी हो जाएगी तो बहुत जल्दी गलेगी, राइट। तो ये समझ लीजिए कि दो भाग कंडेंस मिल्क, तीन भाग विपिंग क्रीम, फिर जब क्रीम को विप करेंगे तो क्रीम जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। और अगर आप विप्ड क्रीम का रेशियो लेना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि छः भाग और तीन भाग, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अगर आप बना रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम, या आप बना रहे हैं कॉफ़ी आइसक्रीम, या आप बना रहे हैं वनीला आइसक्रीम, ये वो वक्त है जब आप इसके अंदर कोको पाउडर डाल सकते हैं, मेल्टेड चॉकलेट डाल सकते हैं, और या फिर कॉफ़ी लिक्योर, कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं, तो अलग अलग फ्लेवर्स इसके बन जाएंगे। इटली में इस बेस को बोलते हैं फ्योर द लाते, विच मीन्स फ्लावर ऑफ द मिल्क। कंडेंस मिल्क जब हम बनाते हैं ना, तो हम अक्सर जो गलतियां करते हैं वो ये है कि पहले ही शुगर को ज़्यादा पका देते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्की सी थिकनिंग हुई और वैसे ही उसके अंदर मिल्क पाउडर डाल देना है। और दूसरी चीज़, जो मिल्क पाउडर होता है हमारा, हम क्या करते हैं, वो मिल्क पाउडर डालने के बाद फिर उसको ठोक के पकाते रहते हैं, वो भी गलत। ठीक है जी, बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कंडेंस मिल्क अच्छा बनेगा, कंडेंस मिल्क अच्छा बनेगा तो आइसक्रीम अपने आप अच्छी बनेगी, शुगर इन्वर्जन हो जाएगा ना फिर। ये लीजिए, तो जी ये हमारी हो गई ड्राई फ्रूट आइसक्रीम तैयार। रेशियोज प्रोपोर्शंस याद हैं, कंडेंस मिल्क बनाना याद है, ये याद है ना कि इसको फ्रीजर में डालना पड़ेगा। वैसे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट आई विल सी यू इन अ बिट। आइसक्रीम के चार मेन कंपोनेंट, सबसे पहले आइस क्रिस्टल्स, पानी है तो आइस होगी, उसके बाद एयर बबल्स, हवा है तो एयर बबल्स होंगे, उसके बाद फैट, बगैर चर्बी के आइसक्रीम नहीं बन सकती ये समझ लीजिए, और उसके बाद शुगर। ये चार चीज़ें मिला के आइसक्रीम को बनाती हैं। अब इन चार चीज़ों का जो पार्टिकल साइज़ है, यानी कि किस साइज़ की एयर बबल हैं, किस साइज़ का फैट है, ये पार्टिकल साइज डिटरमिन करता है कि आइसक्रीम कितनी क्रीमी होगी। हाँ, तो या तो आप ये कंडेंस मिल्क और विप क्रीम वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, जिसमें आप ऑलरेडी पार्टिकल साइज आपके कंट्रोल में, या फिर आप आइसक्रीम चर्नर ले लीजिए। उसमें भी क्या होता है, बारी बारी आइसक्रीम चर्न होती है ताकि जो आइस है वो छोटी होती जाए, एयर छोटी होती जाए, ताकि एक चर्निंग होती जाए, ताकि पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म हो, ये चार चीज़ों का, ताकि आइसक्रीम क्रीमी हो। अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए बस ये चार चीज़ें और इनका साइज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दैट इज द साइन ऑफ अ गुड आइसक्रीम एंड अ गुड आइसक्रीम शेफ। जो मेन चीज ध्यान रखनी है ना, सो क्रीमी, जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये कि कंडेंस मिल्क की मात्रा ज्यादा ना होने दें, वरना कहीं वो फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिप्रेस ना हो जाए कि आपके फ्रिज में ही ना जमे, राइट। तो कंडेंस मिल्क की मात्रा पे कंट्रोल रखें। वो 2:3 वाला रेशियो याद है ना, 2:3 = 2:6, बस। बेसिकली 600 ml विप करी हुई क्रीम और उसमें 200 ml कंडेंस मिल्क, इससे ज़्यादा कंडेंस मिल्क नहीं होना चाहिए, वरना आपका फ्रिज इस आइसक्रीम को जमा नहीं पाएगा। आप बनाए जाएंगे आइसक्रीम, बन जाएगी लस्सी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, और कायदे से कम नहीं तो उसको 16 से 24 घंटे छोड़िए, अगर प्रॉपर टेक्सचर चाहिए ना, क्रीमी इसके पूरे नंबर। बनाइएगा जरूर। चलिए, सब्सक्राइब नहीं भी करिए लेकिन बनाइएगा जरूर। बोनस मिल गया अब तो, कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी मिल गई, फैंटास्टिक।